उनके बारे में आइए कुछ चुनिंदा सिग्नल बोर्ड के संकेतों को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जो आपका सिग्नल बोर्ड होता है वो वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और सर्किल गोलाकार भी हो सकता है। और आपने एक चीज देखा होगा कि ट्रेन के पीछे लास्ट डब्बे पर क्रॉस का निशान होता है, इसका क्या मतलब होता है इसको भी अर्थ में बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो एक पोल होता है लोहे से या जिससे भी बनाओ, इसके ऊपर जो आपका ये लगा हुआ होगा, चाहे वर्गाकार होगा, आयताकार होगा या स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर W लिखा हुआ है, तो इसका जो इसके चारों तरफ बैकग्राउंड होगा वो पीले भाग से होगा और जो वर्ड लिखा होगा वो काले से लिखा होता है। अब देखिएगा ये जो पूरा भाग है, ये जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोर्ड। और जो इस पर वर्ड लिखा होता है इसे हम कहते हैं सिटी संकेतक शब्द। क्या कहते हैं? सिटी संकेतक शब्द। तो ये आपका जो हो गया सिटी संकेतक शब्द हो गया, जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर W लिखा है या W आब्लिक L, तो W आब्लिक L यानी कि देखिए बीच से क्रॉस कर दिया गया है, ये कैसा है आपका, ये एक वर्गाकार आपका बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, हम इसके बारे में आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए W आब्लिक L, W आब्लिक L, W का मतलब होता है विषय, W-H-I-S-T-L-E, विसल का मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब सीटी बजाना या फिर सीटी होता है। L का मतलब होता है लेवल फॉर क्रॉसिंग, यानी कि लेवल फॉर क्रॉसिंग, यानी कि ये उस जगह पर लगाया जाता है कि आपको जहां पर क्रॉसिंग होगा उससे 250 या 300 मीटर पहले इस संकेतक बोर्ड को लगा दिया जाता है, W आब्लिक L वाले को। और इससे हम ये समझते हैं कि आगे क्रॉसिंग होने वाली है, जो कि ये जहां पर बस्ती होती है उससे 250 से 300 मीटर पहले ही लगा दिया जाता है, यानी कि उस क्रॉसिंग से पहले लगा दिया जाता है। और हम ये समझते हैं कि आगे एक क्रॉसिंग होगी। अब आइए अगला समझते हैं कि अगर यही ये यहां पर चौकोर बना हो, W की जगह पर सी लिखा हो और एल की जगह पर फा लिखा हो, तो हम इसको क्या समझते हैं कि ये इंग्लिश का है, इंग्लिश जो वर्ड है इसका हिंदी रूपांतरण है। तो सी और फा का मतलब होता है यानी कि सीटी बजाओ, आगे फाटक है। तो अगर यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि सी और फा लिखा हुआ है, कोई भी ये डब्बा बना हुआ है, बीच से क्रॉस है और यहाँ पर सी और फा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि सीटी बजाओ, आगे फाटक है, यानी कि ये जो 200-300 मीटर पहले लगा हुआ ये जो सिग्नल बोर्ड होगा ये बताएगा कि आगे फाटक है और सचेत हो जाइए। अब देखिए अगला, अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता है, देखिएगा अगर यहाँ पर टी और पी लिखा हुआ होता है, अगर टी और पी लिखा हुआ होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है टी और जी भी लिखा होता है, तो यहाँ पर हम समझते हैं टी पी और टी जी का मतलब क्या होता है। अब देखिए टी पी टी जी से पहले एक हम समझ लेते हैं कि अगर डब्ल्यू बी लिखा है, यानी कि यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है और यहाँ पर W और B लिखा है और ऐसे एक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर W B का मतलब क्या, W का मतलब जैसा कि बताया विशेष यानी सीटी बजाना, B का मतलब ब्रिज है, यानी कि सीटी बजाओ आगे ब्रिज है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ होगा उससे आगे एक ब्रिज है जिसके लिए आप सचेत हो जाइए और अपनी स्पीड को मेंटेन कर लीजिए। यानी कि ये किसके लिए होता है, ये जो आपका सिग्नल है, ये जो रेल गाड़ी को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उस ड्राइवर के लिए ये विशेष रूप से होता है। तो आपने ये समझ लिया कि W का मतलब क्या होता है, W आब्लिक L, W B और सीफा का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर समझते हैं टी पी और एक होता है टी जी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, टी पी और टी जी का मतलब, टी पी का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा ये पैसेंजर से होता है और यहाँ पर अगर जी लिखा हुआ है तो ये पैसेंजर वाली गाड़ी के लिए और ये गुड्स यानी कि माल वाली गाड़ी के लिए होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका स्पीड लिमिटेशन होता है इसके बारे में बताया जाता है, तो इसको जो है लगभग 800 मीटर पहले इस सिग्नल बोर्ड को लगाया जाता है टीपी और टीजी वाले को। तो इससे संकेत क्या मिलता है
कि जहां पर ये पैसेंजर गाड़ी या गुड्स गाड़ी होगी, ये बताएगी, ये बोर्ड ये बताएगा कि आप जहां पर बोर्ड से आगे जब हम निकलेंगे तो गाड़ी की जो लिमिटेशन होगी, यानी कि स्पीड लिमिटेशन, वो प्रतिबंध जो उस पर होगा वो खत्म हो जाएगा और हम अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले, बोर्ड से पहले एक लिमिटेशन होती है कि इतनी तेज में आपकी गाड़ी जो होगी वो चल सकती है, और जब इस बोर्ड को क्रॉस करती है, बोर्ड जब लिखा हुआ जहाँ से होता है वहाँ से, फिर कोई प्रतिबंध नहीं होता है गाड़ी के चलने पर, गाड़ी की स्पीड को फुल स्पीड हम कर सकते हैं इस बोर्ड को देखने के बाद में। तो ये हो गया आपका टीपी और टीजी। जहाँ पर टीपी लिखा होगा इसका मतलब वो पैसेंजर वाली गाड़ी उस रेलवे ट्रैक से जा रही होगी, और जहाँ पर टीजी लिखा होगा वो माल वाली गाड़ी के लिए कि अब आपके लिए रास्ता साफ है और आप यहाँ से तेजी के साथ में अपनी फुल स्पीड में जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया टीपी और टीजी। अब देखिएगा, अगर एक सर्कल के आकार में सीटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? देखिए, टी का मतलब होता है टनल और टनल का मतलब होता है आपका सुरंग। तो अगर ये कहीं पर ये बोर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर बाद ये एक सुरंग होगी, और आप सचेत हो जाइए, अपनी लिमिटेशन को, अपनी स्पीड लिमिटेशन को मेंटेन कर लीजिए। तो ये बोर्ड इसलिए होता है। तो अब आप समझ गए कि W किस लिए होता है, WL किस लिए होता है, सीफा और टीपी, टीजी और सीटी किस लिए होता है। अब देखिए, लास्ट में हम समझते हैं कि किसी भी ट्रेन के पीछे, यानी कि जो मालगाड़ी होगी या कोई भी रेलगाड़ी होगी, उसके सबसे आखिरी डिब्बे पर, लास्ट डिब्बे पर पीछे क्रॉस का निशान होता है। तो क्रॉस का निशान इस बात को संकेत करता है कि जो रेलगाड़ी है उसके सभी डिब्बे आगे जा चुके हैं और ये लास्ट डिब्बा है, इसलिए इसका मतलब ये समझते हैं कि ट्रेन पूरी निकल चुकी है और ये ट्रेन का लास्ट डिब्बा है। तो ये क्रॉस का निशान इसीलिए किसी भी ट्रेन या रेलगाड़ी के सबसे पीछे वाले डब्बे पर बना होता है। अब देखिएगा, लास्ट में जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था कि कोई भी जो सिग्नल बोर्ड होगा वो हमेशा पीले ही भाग से क्यों होता है, उसका बैकग्राउंड, यानी कि ये वाला भाग जो होगा ये सब पीले से होगा, बाकी जो वर्ड इस पर लिखे होते हैं वो ब्लैक से होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, देखिए इसके दो रीजन है। पहला रीजन कि जब आप तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे तो तरंग दैर्ध्य के बारे में जो न्यूटन लॉ है वो ये बताता है कि अगर कोई भी लाल रंग है तो लाल रंग को सबसे ज़्यादा दूर तक देखा जा सकता है, उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब वो रंग ज़्यादा दूर में नहीं फैलता है, यानी कि वो ज़्यादा विस्तृत रूप नहीं लेता है, बल्कि वो दूर बिंदु को ले जाता है, यानी कि उसका फैलाव नहीं होता है बल्कि दूर तक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा लाल रंग होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर ज़्यादातर जो बत्तियाँ होती हैं या लगी होती हैं वो लाल ही लगी होती हैं, इसलिए कि इसकी तरंग दैर्ध्य, यानी इसका जो हम देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा दूर तक देखा जा सकता है। और उसके बाद में ऑरेंज, फिर येल्लो यानी कि पीला वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कि पीला वाला भाग से ही ये सिग्नल बोर्ड का बैकग्राउंड रंगा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका भी तरंग दैर्ध्य, यानी कि वायलेट, इंडिगो और इन चार रंगों से ज़्यादा होता है ग्रीन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार रंगों से ज़्यादा तो येल्लो का पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जो येल्लो रंग होता है इसको देखने से हाँ हमें खुशी और बुद्धि और जो हमारे जो रोग होते हैं, इंसान रोग मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं कि जिस रंग को देखने से खुशी और बुद्धि जो शांत हो जाती है तो इसका मतलब है कि रोग तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये दो रीज़न हैं जो रिसर्च से बताए गए हैं कि जो खुशी और बुद्धि का प्रचार होता है पीला रंग, और चूंकि पीले रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूर तक इसको देखा जा सकता है रेड और ऑरेंज को छोड़कर, इसलिए इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीले भाग से ही होता है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो जरूर हमें सुझाव दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।